The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ सुना, लंग्स है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये एक और बड़ी बात है कि कोरोना वायरस आपको लिटरली हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकता है। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये लिटरली एक स्टडी भी हुई है। और अगर आप न्यूज़पेपर निकाल के देखेंगे तो एक ब्रुकलिन में एक 64 साल के पेशेंट को, जिसको हार्ट अटैक के सिम्टम के साथ भर्ती किया गया, उसको बाद में निकला कि ये कोरोना वायरस। उसको एक्चुअली ईसीजी में भी, और बाकी ईसीजी तो नॉर्मल निकली, बाकी हार्ट के जो एंजाइम्स होते हैं ट्रोपोनिन, वो हाई निकला, यानी हार्ट में डैमेज हो रहा है विदाउट अ हार्ट अटैक, राइट। इट वॉज अ नॉन स्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और निकला क्या कि उसको जो हार्ट में डैमेज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस कैन ऑल्सो डैमेज योर हार्ट। और ये चीज एक लिट, ये देखो, एक पेशेंट में हो गया तो उसको जनहित में जारी घोषित करना बहुत गलत बात है, लेकिन ये एक स्टडी है जो अगर आप देखेंगे तो जामा कार्डियोलॉजी के पेपर में, रिसर्च पे आर्टिकल में लिटरली छपी हुई है स्टडी, जिसमें के कोविड 19 जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस से होती है, SARS-CoV-2, जिससे थाउजेंड बहुत सारे, अब तो हजारों में लाखों में लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग मानी जाती है, क्योंकि ये लंग को इफेक्ट करती है। हाँ, लंग्स है, लंग में दिक्कत होगी, लंग्स, लेकिन यहां पर ये स्टडी में देखा गया कि लिटरली कई लोगों के ये हार्ट को भी अटैक करती है, हार्ट में डैमेज करती है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस करती है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जिसको हार्ट की बीमारी है उसको ही होगा, नहीं, जिसको हार्ट की बीमारी नहीं भी है, नो, विदाउट एनी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज भी एकदम से हार्ट कमजोर हो जाता है। और वी हैव नोन दिस कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट की इंजरी है, हार्ट का रिस्क है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस पे सीमित नहीं है, ये दूसरे इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी इलनेस वाले वायरसेस, ARDS, SARS वाला पुराना SARS वायरस, वो भी ऐसा कर चुका है। इसीलिए कोई भी ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस में, उनके हार्ट और लंग्स दोनों का केयर जरूरी होता है, और हार्ट को भी रेगुलरली चेक करना होता है। एक दिन में, लिटरली एक दिन में हार्ट आधे से ज्यादा बैठ सकता है, एक दिन में पेशेंट इतना सीरियस हो सकता है कि वो बचा ना पाए उसको, राइट। सो ये रेस्पिरेटरी इलनेस निमोनिया तो कॉज करता ही है, हम सब जानते हैं निमोनिया कॉज करता है, लेकिन लिटरली अगर आप स्टडीज निकाल के देखेंगे, और कार्डियक इंजरी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, मायोकार्डाइटिस, वायरल मायोकार्डाइटिस इज अ बिग ह्यूज रिस्क फैक्टर, जो हम कई सालों से देखते आए हैं वायरल इलनेसेस से। अब ये कोरोना वायरस से देखने को मिल रहा है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, पहली बात तो ये। और रिसर्च जो CDC ये बताया जा रहा है कि वैसे तो कोविड 19 जिसको हार्ट की अटैक, जिसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आपके लिए, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो फिर जो डेथ रेट आती है वो 10% के आसपास है, 10% चांस हो जाएगा आपका कि आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, अगर सही वक्त पे सही इलाज ना मिला तो, दैट इज देयर। और ये जो बीमारी है मायोकार्डाइटिस बिकॉज ऑफ वायरस, राइट, कोरोना वायरस हो या रेस्पिरेटरी कोई भी वायरस हो, ये बहुत ज्यादा लिटरली कॉमनली भी देखी जाती है और सीरियस चीज भी है। सीरियस इसलिए कि कई बार इसमें कुछ नहीं कर पाते, कई बार हम कोशिश करते रहते हैं, हम अगर हार्ट में अटैक हो, मान लो हार्ट अटैक हो, उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, अंदर जाके ब्लॉकेज निकाल देंगे ऑपरेशन करके, बाईपास करके, नहीं तो एंजियोग्राफी करके, स्टेंट करके, दवाई देके, क्लॉट घोलने की दवा देके, सब कुछ ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन एक वायरस जाके हार्ट की मसल को डैमेज कर रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं, हमें हार्ट को सपोर्ट देने का ऑप्शन है। और वायरस को कम करने के लिए जो हमने ट्रीटमेंट वाले वीडियो में बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए हैं, उनको ट्रायल देने का ऑप्शन बचता है। सो वायरस कैन कॉज अ हार्ट डैमेज, ये पक्की बात है, लेकिन अगर हार्ट डैमेज होगा तो आपको सांस फूलेगा, और ज्यादा सांस फूलेगा। ये क्यों होता है, बात है, सिम्टम तो मैं बता देता हूं, हार्ट फेलियर है, ये हार्ट अटैक नहीं है,
ये एक हार्ट फेलियर है और तो हार्ट डैमेज हो रहा है, हार्ट वीक हो रहा है, हार्ट को यानी सांस फूलेगा, आपको हो सकता है लेटने पे ज़्यादा सांस फूले, चलने फिरने पे ज़्यादा सांस फूले, हो सकता है पसीने आए, हो सकता है छाती में दर्द भी हो, लिटरली बहुत ज़्यादा, वो सारी सिम्टम लिटरली हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग जो जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी जाना पड़ सकता है। अब ये क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली जो भी ये रेस्पिरेटरी वायरसेस SARS, COV या कोई भी फ्लू वायरस भी ये कर सकता है, कुछ प्रकार S1 स्वाइन फ्लू वायरसेस भी ऐसे करते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन होता है को इन्फेक्शन जो मैंने वीडियो में बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन दोनों एक साथ आ जाते हैं, यानी सुपर इम्पोज इन्फेक्शन एक रेस्पिर, और ये कॉज कर सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग भी फेल हो रहे हैं, हार्ट भी फेल हो रहे हैं, दैट बोथ थिंग्स कैन हैपन। प्लस बिकॉज ऑफ दैट साइटोकाइन स्टॉर्म, याद है मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था साइटोकाइन स्टॉर्म की कैसे एक्ट करता है, हाउ वॉट हैपन्स वेन दिस वायरस गोज इन साइड योर बॉडी, वो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। बहुत ओवरवेल्म रिस्पॉन्स आ जाता है आपकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा कि साइटोकाइंस जो एक्चुअली एक प्रोटीन है जो बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, रिपेयर करते हैं, लेकिन ये डैमेज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैन लीड टू लिटरल लीड टू हार्ट डैमेज, कैन लिटरली लीड टू सीवियर कार्डियोमायोपैथी, दैट कैन बी मायोकार्डाइटिस, राइट। एंड ये इन्फ्लामेशन साइटोकाइंस अपने आप में ऐसा नहीं कि हम पहले से बता सकते हैं किस में बढ़ेगा किस में नहीं बढ़ेगा, ऐसा बताना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल, एंड इट कैन लीड कि हार्ट की पंपिंग पावर कम होगी, हार्ट बाहर पंप ही नहीं कर पा रहा है जितना पंप करना चाहिए, तो पूरी बॉडी को लिटरली ब्लड कम जाने लग जाता है, ब्रेन को ब्लड कम जाएगा, 30 सेकंड में ब्रेन डैमेज होने लगता है, पेशेंट बेहोश। अगर किडनी को कम जाएगा, किडनी में यूरिन निकलना बंद, एक्यूट रीनल फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर से फिर पेशेंट को कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज अ सीरियस थिंग, इसीलिए पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना, जल्द से जल्द हार्ट की इवैल्यूएशन करना जरूरी है, क्योंकि इसको अगर एकदम शुरुआती स्टेज में पकड़ लो तो फिर हम मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं पेशेंट को बचाने के, राइट। रिस्क इज हाई विथ ऑब्वियसली अगर किसी को हार्ट की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, ऑलरेडी हार्ट वीक है 30%, 40%, वट एवर इट इज, सो उसको ऑब्वियसली उसको रिस्क ज्यादा है, उसके डेथ रेट भी ज्यादा है, राइट। सो वो एक है, लेकिन फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क सबको है, राइट। और यस, जैसे हमने बताया था स्वाइन फ्लू की जो फ्लू वैक्सीन है, फ्लू शॉट है, वो आपको लेना है, उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपके इम्यून सिस्टम को, पहले से एंटीबॉडीज कुछ बन जाएंगे कोरोना वायरस के लिए नहीं, स्वाइन फ्लू के लिए, तो दूसरी वैक्सीन दूसरी वायरसेस के लिए साथ में, तो आप सुपर इम्पोज इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। याद रखिए सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है, दो दो वायरस एक साथ भी आ सकते हैं आपके अंदर, दैट इज वेरी 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 कॉमनली वेरी कॉमन, ठीक है ना। और इसीलिए रिकमेंडेशन क्या बोलता है कि आपको अपने, अगर हार्ट पेशेंट हो तो अपने आप को क्विकली समझ के रखिए आपने प्रिवेंशन क्या करनी है। दुनिया में सबको प्रिवेंशन पता है, अच्छे से हाथ धोते रहना है, अपने मुंह नाक को हाथ नहीं लगाना है, राइट। खांसी करोगे तो बगल में करना है, दोस्त दूर दूर रहना है, और बीमार हो तो घर पे रहना है, बहुत सिंपल है। और डॉक्टर से बात करनी है अगर आपको लग रहा है कि आपको टेस्ट की जरूरत है, तो टेस्ट भी करा सकते हो, और अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो अपने हार्ट के डॉक्टर से इन टच रहना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉटम लाइन यही कहती है कि भैया यह बीमारी बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको रिस्की है, किसी को कम रिस्क है, किसी को ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क है, इसीलिए रिस्क को समझो और बचाव करो, प्रिवेंशन करो। फिर आखिरी में बात बताऊंगा कि इसमें नकली हार्ट अटैक भी बहुत हो रहे हैं। व्हाट इज नकली हार्ट अटैक? एंजाइटी रिलेटेड, पैनिक रिलेटेड, जी हाँ। मतलब आज के डेट में जो ऑनलाइन कंसल्टेशन आ रहे हैं मेरे पास, 10 में से 5 कंसल्टेशन तो सिर्फ इसलिए हैं कि सर मुझे लग रहा है मुझे हो गया है, मुझे लग रहा है मुझे हो गया है, मुझे ना खांसी भी आ रही है, मुझे सांस, या तो मुझे खांसी, या तो उसको खांसी आ रही है और बाकी कुछ नहीं है, फीवर नहीं है, या तो उसको सांस फूल रहा है और बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मॉनिटरिंग में भी कुछ नहीं है, मतलब बस लग रहा है कि है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर हार्ट में दिक्कत होगी, अगर हार्ट में दिक्कत होगी, हार्ट की वजह से सांस फूलेगा या लंग के वजह से सांस फूलेगा, तो चलने फिरने में दिक्कत बढ़ेगी, बिकॉज जब भी आप चलते हो सांस की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लंग खराब होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हार्ट में गड़बड़ होगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, हार्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ेगी। तो जब एक्सर्शन में आपको दिक्कत नहीं है, अनलाइकली है कि ये एक्चुअल बीमारी है, ये एंजाइटी हो सकती है। सो यस, ऑब्वियसली बात है आपके लिए अच्छी बात है कि आपने डॉक्टर से बात करी, पूछी, लेकिन एंजाइटी की वजह से भी हार्ट अटैक जैसा फील हो सकता है।
छाती में दर्द हो सकता है, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है, आसमान फूटने वाला है, पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है जी, बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को हमें लिटरली समझाना पड़ता है हाथ जोड़ के कि बेटा तुमको कुछ नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है और कई लोगों को फिर भगाना पड़ता है, चल तुम जाओ, ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखा ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको अंडरस्टैंड करना है बीमारी कहाँ है, बीमारी कहाँ नहीं है, और दिमाग में कौन सी है और एक्चुअल में कौन सी है, और रिस्क कहाँ है। दूसरी एक बात, इसीलिए जिसको सांस फूल रहा है उसको घपा घप बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा नारियल पानी, बहुत ज्यादा कोकोनट वाटर, बहुत ज्यादा फ्रूट जूस, इतने ज्यादा जूसेस हार्ट के ऊपर लोड डालते हैं। अगर आपका हार्ट मायोकार्डाइटिस से वीक हो रहा है और अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड दोगे, जब हार्ट आगे नहीं पंप कर रहा, ठीक है, 100 ml ब्लड था, 100 ml में से 60 वो नॉर्मली पंप करता था, अब वो 30 कर रहा है, 70 पीछे बच रहा है, और ज्यादा आप उसमें ब्लड वॉल्यूम डाल दो, पानी 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 एक्स्ट्रा, तो हार्ट और ज्यादा फेल हो जाएगा और हार्ट फेलियर में और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है अगर सांस ज्यादा फूल रहा है हार्ट, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर हम पेशेंट्स को फिर फ्लूइड व्लूइड नहीं देते ऐसे केसेस में। सो ये मैनेजमेंट एक बेसिक है जो एक मेडिकल फील्ड वाले को, एक डॉक्टर को समझ में आएगा, ये एक नॉर्मल इंसान को नहीं। सो हमेशा हमेशा मैं नहीं कह रहा कि आपने नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, आपको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने एक डॉक्टर को ज़रूर अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, घर पर नहीं तो मोबाइल पे, राइट। ऑनलाइन कंसल्टेशंस आर वैलिड नाउ, वो टेलीमेडिसिन टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको वैलिड कर दिया है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए, सबको बताइए कि भाई हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, मजाक दिल्लगी नहीं है, लेकिन घबराना भी नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।